ये बात है, आपने तवज्जो जी, किसी से मरूब नहीं होना, मरूब तो वो हो जो नामूस रिसालत का गद्दार है। आप तो रसूलुल्लाह की नामूस के मुहाफिज हैं, गद्दार वो ना, वो परेशान तो वो जिसने खत्म नबूवत पर डाका डाला, परेशान तो वो जिसने गुस्ताखे रसूल औरत को छोड़कर उस पर नाज किया, और परेशान तो वो जिसने कुरान हदीस निसाब से निकाला, परेशान तो वो जिसने मस्जिदों से स्पीकर उतारे, परेशान तो वो हो जो कहता है कि पाकिस्तान में जो जिहाद की बात करते हैं वो कश्मीर के साथ जुल्म कर रहे हैं। मैंने कहा तारीख नहीं पढ़ी तूने, क्रिकेट की पढ़ी है ना, अगर तूने इस्लाम की तारीख पढ़ी होती तो तुझे बात न करता जिहाद के खिलाफ। जिहादी से तो मक्का फतह हुआ, जिहादी से तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, जिहादी से तो सहाबा कराम ने दो सुपर पावरें गिरा के रख दी, जिहादी की वजह से सहाबा ने समुद्रों में घोड़े डाल दिए, जिहादी की वजह से हजरत साद ने दरियाए दजला को फरमाया, फरमाए हम जिहाद के लिए जा रहे हैं, राह दे दे दरियावा, दरियाए दजला लंबा पै गया और कहने लगा मोहम्मद अरबी के गुलामों गुजर जाओ, इसलिए तो मैं बह रहा था ताकि पता चले क्यामत तक कि जब जिहाद की बात आए, हुजूर के दीन की बात आए तो दरिया भी वो बात समझ जाता है कि हाँ मोहम्मद अरबी के गुलाम जा रहे हैं, तुझे पता ही नहीं है किसी बात का, और तू मुकद्दस इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है सिखों को खुश करने के लिए। सिखों को खुश करने से पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह की कब्र पर तूने जाना था, सिखों को खुश करने के लिए तूने अलामा इकबाल की कब्र पर जाना था, और सिखों को खुश करने के लिए उन 70,000 औरतों से पूछना था जिनको हिंदू सिख उठाकर ले गए थे पाकिस्तान बनते वक्त, उनकी रूहों से पूछना था कि सिख ही वो थे जिन्होंने मुसलमानों की बच्चियों को उठाया, जिन्होंने बच्चों की गर्दनें काटी, जिन्होंने मुसलमानों के काफिलों पर हमले किए। तुझे सिखों का इतना दर्द है तो जा अमृतसर चला जा, पाकिस्तान तो बना ही इस नाम पर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ना भाई ना इंज नहीं नारा लाना शेरो, इस मीनार नु गवाह बनाना। 1940 कैद आजम मोहम्मद अली जना सारे लोगों नु लेके थे, क्यों आए? आज ऐसी मीनारे पाकिस्तान को पूछना है, सामने वो लेटिया मुसवरे पाकिस्तान ओदे को पूछना है, दासा इकबाल ओ ये सारा माजरा फिर क्यों होया? क्या सिखां नु राहदारियां देने वास्ते होया? करतारपुर बॉर्डर खोल के ते सिखां दे वीजे खत्म करने वास्ते होया? ते सिखां दा बाड़ उथे बॉर्डर खोलन लग्या और सिख भी डांस करन ते पाकिस्तानी भी डांस करन, और केड़ी गल ते डांस कीता? और कश्मीर आजाद करा के डांस कर रहे हो? इन्होंने तारीख इस्लाम पढ़ी कोई नहीं? मुसलमान बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही है। कहता है जहां जो बात करेगा ना जिहाद की वो कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहा है। तो मैंने कहा जहां जो श्रीलंकन टीम को बुलाएगा वो क्या कर रहा है बताओ जी? श्रीलंकन टीम को बुलाने वाला पाकिस्तान का वफादार है, कश्मीरियों का वफादार है? ये भी मोरे कोई लिखेगा कि जिनकी बेटियां उजड़ी जा रही थी और वो श्रीलंकन टीम को बुला रहा था? ना ना, ये श्रीलंकन टीम के लिए नहीं बना। नारा ऐसा लगाना है पाकिस्तान के मतलब क्या कि बड़ी दूर तक आवाज जाए, इनके काम तो वैसे ही फट जाए, और ट्रंप भी एक बार उठे, मोदी भी उठे, नई नई शेर आ गए, मोहम्मद अरबी के शेर आ गए, गजनवी के वारिस आ गए, नूरुद्दीन जंगी के वारिस आ गए, सलाउद्दीन अयूबी के वारिस आ गए, ऐसे करके नारा लगाना।